A very warm welcome to all of you over a very profound platform that is JK Civil Services. So again, this is your teacher advocate Samir Lading. So जिस तरह हमने अपने previous videos में जो previous हमारे lectures हुए हैं उनमें हमने topics को discuss किया. हमने अभी तक political cause जो है उसको causes को discuss किया है, then military causes को discuss किया है, उसके बाद economic causes को discuss किया है. तो आज का जो हमारा topic है वो है हमारा इसी के अंडर जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फॉर जो है इंडिपेंडेंस के लिए जो हमारा कॉज है जो हम पढ़ रहे हैं कॉजेज उसमें हमारा है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज. सो हम इसको स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स मूव ऑन. अब यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो टॉपिक है हमारा सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज के ऊपर है. और इस टॉपिक में यहाँ पे आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो है अगर हम इसको देखें कल्चर को देखें अगर हम यहाँ पे कल्चर को अगर हम देखें कल्चर एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर हम डिस्कस करें तो बहुत टाइम चला जाता है. उसके ऊपर अगर हम लेक्चर्स दें तो फिर वो एक लेक्चर में कभी कंप्लीट नहीं होगा. सो यहाँ पर प्रिसाइसली जो है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली कल्चर क्या है, क्योंकि कल्चर को डिफाइन करने के बाद ही आपको फर्दर ये सारा टॉपिक समझ आएगा. कल्चर को सिंपल सा, ज़्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आपने कल्चर को सिंपल सा डिफाइन करना है कि कल्चर इज ऑल अबाउट लाइफ स्टाइल. कल्चर इज ऑल अबाउट लाइफ स्टाइल. हाँ, द वे वी ड्रेस, हाँ, द वे वी ईट, जो हमारा लैंग्वेज है, हम जो भी हम किस किस को किस रिलीजन को प्रोफेस करते हैं, किस रिलीजन को प्रमोट करते हैं, किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, लैंग्वेज क्या बोलते हैं, घर का हमारा उठना बैठना कैसा है, ठीक है. सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसको बनाती हैं, ये सारी चीज़ें किसको बनाती हैं, यही हमारे कल्चर को डिफाइन करती है. लाइफस्टाइल जिस तरीके से जो हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, ठीक है. सो ज़िंदगी को गुजारने का जो आपका वे है, लाइफस्टाइल है, दैट इज़ ऑल अबाउट कल्चर, ठीक है. अब यहाँ पे क्या था कि इंडियंस जो थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले किस तरीके से रहते थे, उस तो इसका मतलब यह आया कि लाइफस्टाइल क्या था इंडियंस का ब्रिटिशर के आने से पहले. यहाँ पे आपने देखना है कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि ब्रिटिशर हमेशा अपने कल्चर को ज़्यादा सुपीरियर कंसिडर करते थे इन कंपैरिजन विद द इंडियन कल्चर. इंडियन कल्चर को उतना ज़्यादा वो कोई सुपीरियर कंसिडर नहीं करते थे. वो हमेशा एक चीज़ में बिलीव करते थे कि उनको लगता था ब्रिटिशर्स को कि जो वेस्टर्न कल्चर है या जो उनका खुद का जो कल्चर है वो ज़्यादा सुपीरियर है और इंडियन कल्चर उतना ज़्यादा सुपीरियर नहीं है, उनके लिए वो ना के बराबर था. ये एक फैक्टर था और उस फैक्टर ने जो एक आम इंसान था, एक कॉमन पर्सन था, तो अगर अगर कोई बाहर का पर्सन अपने कल्चर को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है और जो नेटिव जो है लोग हैं उनके जो नेटिव कल्चर है उनके कल्चर को जो है इन्फीरियर कंसीडर करता है तो वहाँ पे हेटेडनेस, वहाँ पे जो है वो चीज़ें जो है क्रिएट होंगी, उनके खिलाफ जो है डिससेटिस्फेक्शन जो होगा, वही डिससेटिस्फेक्शन यहाँ पे क्या हुआ कि जो एक आम इंसान थे जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजारते थे और उनको अपने कल्चर से बड़ी जो है अटैचमेंट थी, तो ब्रिटिशर्स का ये जो एटीट्यूड रहा उस एटीट्यूड ने क्या किया, एक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट किया कॉमन पर्सन के जो है दिमाग में. क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर यहाँ पे अपने कल्चर को ज़्यादा सुपीरियर कंसिडर कर रहे थे. एक वो फैक्टर आया. उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर ने यहाँ पे देखा कि इंडिया जो है इंडियन जो सोसाइटीज है उसमें क्या है कि उसमें ये सिस्टम्स है, कुछ जो सिस्टम्स है, सिस्टम्स मतलब कुछ चीज़ें प्रिवेल कर रही थी उस टाइम में और वो जो चीज़ें थी वो चीज़ें क्या थी, वो चीज़ें इंडिया के लोगों के रिलीजन जो थे उस टाइम पे या इंडिया का जो ओवरऑल हम देखें कल्चर था उसका एक हिस्सा था, उसका एक हिस्सा था. लाइक उस टाइम में सती सिस्टम था, उसके बाद जो है अगर कोई औरत होती है उसका हस्बैंड अगर उसकी डेथ हो जाती है कुछ जगहों पे तो वहाँ पे कुछ जगहों पे सती सिस्टम होता था और कुछ जगहों पे अगर सपोज़ कीजिए एक फीमेल है उसका हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो गई है और उसके बाद उसको अलाउ नहीं किया जाता था वो कि रीमैरिज करे, उसके बाद जो है यहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था,
फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब ये आया कि दैट टाइम इवन कि आज भी हम देखें कि इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं इंडिया के एरिया जहाँ पे अभी भी जो है जो अगर कोई गर्ल जो है पैदा होती है तो उसको एक इकोनॉमिक बर्डन कंसिडर किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा जो है हम क्या कहेंगे इसको एक बहुत जो है एक अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है आज भी बात की जाती है प्रेफरेंस फॉर सन के लिए बात की जाती है और जो है फीमेल को जो है आज के टाइम में, हाँ अब तो थोड़ा सा मतलब कुछ पार्ट्स की मैं बात करूं, ऐसे अगर ओवरऑल बात करूं तो जो है आज फीमेल की जो डिग्निटी है या उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं आगे जा चुका है। आज जो है हमारी सोसाइटी इतनी प्रोग्रेस कर चुकी है, जो कंजर्वेटिज्म था या ऑर्थोडॉक्स जो उस टाइम में जो हमारा टाइम रहा उससे हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं और आज जो है एक बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन जो है फीमेल का भी हमारे इकोनॉमी में, हमारे हर एक जो है सेक्टर में है हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब तो वो टाइम नहीं रहा, वो ईरान नहीं रहा, पर पहले क्या होता था कि ब्रिटिशर्स के टाइम में या उनके आने से पहले जो था इंडिया में जो था कंजर्वेटिज्म था, इंडिया में ऑर्थोडॉक्स जो है सेक्शन रहता था जो ये बिलीव करते थे कि फीमेल जो है एक बर्डन है और वहाँ पे क्या करते थे कि इन्फेंटिसाइड का मतलब यह है कि अगर गर्ल पैदा होती तो उसे मार दिया जाता था। इट इज़ वोफुली अ बैड थिंग, ठीक है। तो और प्रेफरेंस फॉर सन के लिए कि बेटे की प्रेफरेंस के लिए जो बच्ची अगर फीमेल पैदा होती है उसको मार दिया जाता था और उसके बाद चाइल्ड मैरिज जो है बड़ी आम होती थी उस टाइम पे। सो ये जो चीज़ें हो रही थी इंडियन सोसाइटी में, ये चीज़ें जो थी इंडिया के कल्चर का तो हिस्सा था ही था, उनके कल्चर का हिस्सा था, उसके अलावा रिलीजन का भी, इनडायरेक्टली रिलीजन का भी एक हिस्सा था। अब इसका मतलब ये है कि ये तो हम इनको कंसीडर करते हैं, जैसे अगर विडो रिमैरिज नहीं हो रही है उस टाइम पे, उसके बाद अगर फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है, चाइल्ड मैरिज हो रही है या सती सिस्टम जो प्रिवेल कर रहा है कुछ जगहों पे उस टाइम में, सो ये जो चीज़ें हैं हम इनको क्या कंसीडर करते हैं आज के टाइम में, सोशल लेवल्स हम कंसीडर करते हैं आज के टाइम में। बट उस टाइम में क्या था कि उस टाइम में ये सारी चीज़ें जो थी इंडियन सोसाइटी में क्या कंसीडर की जाती थी, उन इंडियन सोसाइटी जो है उसकी सोसाइटी के जो रिलीजन है उसके कल्चर का एक पार्ट एंड पार्सल जो है उसको फीचर कंसीडर किया जाता था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर ने इनके इसी सिस्टम को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इन्होंने सती सिस्टम को क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद विडो जो थी, बेवाएं जो होती थी वहां पे क्या करते थे वो उनकी फिर से रीमैरिज के लिए उन्होंने जो है लेजिस्लेशंस जो है लॉज जो है बनाना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद जो है टोटली बैन कर दिया फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है, किलिंग नहीं होगी अगर जो है लड़की पैदा होती है, या आ गया यहाँ पे कि चाइल्ड मैरिज जो है उसको भी बैन कर दिया जाएगा और कर दिया। ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने क्या उस टाइम पे की, और ब्रिटिशर ने ये सारी चीजें किसके बेस पे की, ब्रिटिशर ने क्या कंसीडर किया, ब्रिटिशर ने ये कंसीडर किया कि इंडियन जो है जो कुछ ऐसे कस्टम्स है, रीति रिवाज है वो ठीक नहीं है, वो सोशल लेवल में कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। ब्रिटिशर ने ये चीज जो है ये कंसीडर की और उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिफॉर्म्स के नाम पे, रिफॉर्म्स का मतलब यह होता है या रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज, सोसाइटी में चेंज, कि अगर कुछ जैसे हम सपोज कीजिए हम देखते हैं कि हमारा काम करने का तरीका पहले कुछ और था, ठीक है, उसके बाद अब चेंज हो गया है, हमारा जो है इकोनॉमिक सिस्टम पहले कुछ और था अब कुछ और हो चुका है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिफॉर्म चेंज। तो ब्रिटिशर ने क्या कर दिया, ब्रिटिशर ने ये चीजें जो है बैन कर दी, एबॉलिश कर दी चुके, और यहां पे जैसे विडो रिमैरिज जो है अलाउ कर दिया, और ब्रिटिशर ने किसके नाम पे, इन द नेम ऑफ रिफॉर्म, इन द नेम ऑफ रिफॉर्म के नाम पे ये सारी चीजें उन्होंने लाई, ठीक है। और दूसरा ये था कि वही जैसे है सम सोशल चेंजेस वर मेड बाय द ब्रिटिशर, तो ये जो सारी चीजें उन्होंने लाई इससे क्या हुआ, एक सोशल चेंज आया सोसाइटी में, जो पहले चीजें प्रिवेल कर रही थी और ब्रिटिशर ने क्या कर दिया, रिफॉर्म के नाम पे, रिफॉर्म्स के नाम पे लेजिस्लेशंस बनाए, एक्ट्स बनाए, लॉज बनाए, और वो सिस्टम को क्या कर दिया, उन प्रैक्टिसेस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बैन कर दिया। अब ये सब यहां क्या बताता है, ये उनके
ये सब करने करने से क्या शो होता है? ये शो होता है कि ब्रिटिशर्स ने किस चीज का जो है एक्सहिबिशन किया, किस चीज को बताया, ये चीजें क्या जो है डिस्प्ले करती है, ये चीजें ये साबित करती है कि ब्रिटिशर के पास एब्सोल्यूट पावर है। ब्रिटिशर के पास एब्सोल्यूट पावर अगर है तो इसका मतलब ये है कि फिर जो वो इंडियंस हैं जिनके ऊपर वो रूल कर रहे थे या कुछ ऐसी जगह है जिनके ऊपर अब रूल करने वाले हैं, ठीक है, तो वहां पे वो पावरलेस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर के पास, देखिए आपने इस चीज को समझना है, एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट पावर। एक्चुअल में अगर मैं यहां पे आपको एक चीज बताऊं कि दुनिया में चाहे डिवाइन राइट्स ऑफ किंग की बात की जाए, ऐसा टाइम होता था जब किंग्स को क्या कंसिडर किया जाता था, डिवाइन कंसिडर किया जाता था कि गॉड का भेजा हुआ एक मैसेंजर है और वो रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ उस डिवाइन पावर के टूवर्ड्स, और वो अपने हर एक बुरे और अच्छे एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस डिवाइन पावर के टूवर्ड्स। और उसके बाद लोगों की ये एक ऑब्लिगेशन बन जाती है कि उस किंग को फॉलो करना ही करना है। सो उस टाइम में ऐसा टाइम होता था कि जब किंग के पास डिवाइन पावर्स होती थी, इतनी ज्यादा पावर्स होती थी कि उसको कोई अपोज नहीं करता था, अगर कोई अपोज करता था उसके उस पावर को, रूल को, तो उसको सिन कंसिडर किया जाता था। क्यों? क्योंकि किंग का स्टेटस उस टाइम में डिवाइन होता था, उसकी पावर डिवाइन होती थी। बहुत पहले जो है टाइम में बहुत सारी दुनियाओं में बहुत सारी ऐसे पार्ट्स है जहां पे ये चीजें होती थी, पर उस टाइम में भी डिवाइन पावर कंसीडर जो किंग करता था कि भाई उसके पास डिवाइन पावर है, उसको कोई अपोज नहीं कर सकता, अगर कोई अपोज करता तो सिन कंसीडर किया जाएगा। उस टाइम में भी जब ये डिवाइन राइट्स ऑफ किंग की जो थ्योरी जो उस टाइम में प्रिवेल करती थी बहुत पहले, उस टाइम में भी किसी किंग के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती थी उस टाइम में भी। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब यह है कि फिर आपकी सोच के ऊपर, आपके घर में आप किस तरीके से रह रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे खा रहे हो, कैसे बात करते हो, कैसे आपका राइट टू लाइफ है, कैसे आपका राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, कैसा आपका राइट टू मैरिज है, वो फिर इसका मतलब यह है कि जब एब्सोल्यूट वहां पे लग जाता है, इसका मतलब है इन सारी चीजों के ऊपर भी जो है उस किंग का ही कंट्रोल आएगा। बट ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि उस टाइम में भी किंग के पास इतनी पावर होने के बावजूद भी वो लोगों के कस्टम, ट्रेडिशंस, उनकी जो पर्सनल राइट से लिबर्टीज थी, फ्रीडम थे, उनमें कभी इंटरफेरेंस नहीं करते थे। क्यों? इसका मतलब यह है कि आज तक किसी किंग के पास, ठीक है, जिनके पास बहुत ज्यादा पावर्स होती थी, अब तो डेमोक्रेसीज है, अब इस टाइम में, उस टाइम में, पुराने टाइम में जब किंग के पास बहुत ज्यादा पावर होती थी, बट कभी किसी किंग के पास एब्सोल्यूट पावर एक्चुअल में नहीं होती थी। क्योंकि अगर एब्सोल्यूट होता तो मैंने यही बताया आपको कि फिर सोच के ऊपर, आपके घर में बैठने के सिस्टम के ऊपर, आपका पर्सनल लाइफ कैसा है, प्राइवेसी लाइफ कैसा है, उसके अंदर भी इंटरफेयर करता, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि उस टाइम में कभी किसी किंग ने लोगों के कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन में इंटरफेयर नहीं किया। इसका मतलब है उस टाइम में किसी किंग के पास कभी एब्सोल्यूट पावर रही नहीं, तो ब्रिटिशर के पास कैसे आ जाएगी एब्सोल्यूट पावर? तो ब्रिटिशर ने यहां क्या किया, यह चीज शो की कि हमारे पास है, हमारे पास होगी एब्सोल्यूट पावर अब। क्यों? क्योंकि हम इतने कैपेबल हो गए हैं कि लोगों के, मैंने आपको बताया, बेशक ये चीजें बुरी थी, उन्होंने जो किया इनडायरेक्टली एक अच्छी चीज लाई उन्होंने, मगर यहां पे ये क्या था कि ये जो चीजें पहले हो रही थी, ये पार्ट एंड पार्सल था किसका, इंटेग्रल पार्ट था किसका, इंडियन के जो है एसेंशियल जो पार्ट था इंडियन के कल्चर का, इनडायरेक्टली रिलीजन के एक पार्ट एंड पार्सल जो है फीचर्स थी उस टाइम पे। तो इसका मतलब यह है कि बेशक ये चीजें सोशल इवेंट्स में कंसिडर की जाती है, ठीक है, ब्रिटिशर ने ये चीज तो ठीक की, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो रिलीजियस पीपल थे उनकी फीलिंग्स जो है यहां पे हर्ट हुई, और उनको लगा कि ब्रिटिशर, इसका मतलब है इतने ज्यादा एब्सोल्यूट हो चुके हैं, उनकी पावर इतनी एब्सोल्यूट हो चुकी है कि उन्होंने हमारे कस्टम, हमारे ट्रेडिशन, हमारे रिलीजन के अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। सो उससे क्या हुआ, एक जो है एक फोबिया क्रिएट हुआ, एक डर क्रिएट हुआ, किसके किसके माइंड में, एक आम इंसान के माइंड में डर क्रिएट हुआ कि ये इतने पावरफुल हो चुके हैं कि इन्होंने हमारे इस रिलीजन के अंदर इंटरफेयर कर दिया। सो उनको डर का क्या क्रिएट हुआ वो हम पढ़ेंगे कि यहां पे क्या हुआ, यहां पे इसके साथ साथ कि उस टाइम में ब्रिटिशर ने जो है एजुकेशन सिस्टम में क्रिश्चियनिटी को भी इंट्रोड्यूस किया। उस टाइम में बहुत सारे स्कूल्स खुले आपने ये चीज़ देखी होगी, सुना भी होगा आपने
या अगर आपने मूवीज़ देखी होंगी उनमें आपने चीज़ें देखी होंगी, या पुराने टाइम के जो कुछ मूवीज़ होती थी उसमें कंसिड दिखाया जाता था कि किस तरह से जो है आपने अगर लोग देखा होगा कि एक बड़ा पॉपुलर जो है आता अब इसी टाइम में आता था मालगुडी डेज आता था, उसमें ब्रिटिशर के बारे में बताया है, थोड़ा बहुत दिखाया है कि किस तरह स्कूल में क्रिश्चियनिटी जो है बच्चों को पढ़ाई जाती थी उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स पढ़ाते थे और क्रिश्चियनिटी जो है दैट वाज एक्चुअली जो करिकुलम होता था जो सिलेबाई होता था उसमें क्रिश्चियनिटी का भी टॉपिक्स होते थे। तो ब्रिटिशर्स का जो है मकसद यही था कि अपने क्रिश्चियनिटी को फैलाना, लोग उसको क्या करें अडॉप्ट करें, अपने अपने कंसर्न्ड जो उनका नेटिव रिलीजन था उसको छोड़ दें और क्रिश्चियनिटी को जो है कन्वर्ट करें। तो ये आपने देखा होगा। और यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी ये आपने देखा होगा। बहरहाल हर एक रिलीजन में क्या होता है कि हर एक रिलीजन के ऊपर दो चीज़ें जो आती है, दो चीज़ें जो है ऑब्लिगेटरी आती है, कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे वो बुद्धिज़्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो। एक आता है कि हमने उसको क्या करना, प्रोफेस करना है, फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद दूसरा फीचर ये आता है उसमें कि इसके साथ साथ क्या करना है, उसको प्रमोट भी करना है। प्रमोट मीन्स फैलाना भी है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करती थी, क्रिश्चियन मिशनरीज वही काम करती थी। क्रिश्चियन मिशनरीज अपनी क्रिश्चियनिटी को फैलाती थी, स्कूल्स खोलते थे या बाकी जो है क्रिश्चियनिटी का जो मैसेज जो है लोगों को देते थे। बट इनका इससे ये चीज क्या शो होती है, इससे ये चीज शो हो जाती है कि इनका मकसद यही है कि इंडिया में पहले इन्होंने कल्चर के अंदर जो है उनके इनडायरेक्टली रिलीजन के अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो मुजाहिरा किसका किया, किसका डिस्प्ले किया कि हमारे पास एब्सोल्यूट पावर है। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया कि क्रिश्चियन मिशनरी से यह भी शो होने लगा कि भाई ये क्रिश्चियनिटी में अब हमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे ये चीजें जब हुई तो उससे क्या हुआ कि एक आम इंसान और रिलीजियस पर्सन को क्या हो गया, ब्रिटिशर से डिससेटिस्फेक्शन हो गया। ठीक है, उन्होंने सोचा कि अब हमें अपनी आइडेंटिटी को, हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसे बचाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करूँगा, सती सिस्टम ये तो आप लोगों ने उस टाइम में जब आपके स्कूल का टाइम रहा होगा उस टाइम में भी ये जो है आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री की किताब में, सती सिस्टम। सती क्या होता था, कुछ जगहों पे प्रिवेल होता था कि अगर फीमेल जो है उसका हस्बैंड मर जाता है तो उसको भी उसके साथ जो है या जला दिया जाता था या उसको दफना दिया जाता था। वाई ऐसा क्यों होता था, ऐसा इसलिए होता था, कुछ जगहों पे होता था, ठीक है, हर एक जगहों पे ये प्रैक्टिस नहीं होती थी। अब ये क्यों होता था, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंसर्न्ड माइथोलॉजीज जो उस टाइम में प्रिवेल करती थी उसके अकॉर्डिंग जो है वाइफ को कंसीडर किया जाता था इंटेग्रल पार्ट ऑफ हस्बैंड। हस्बैंड का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है वाइफ है, बेशक है, वो तो है, हम आज भी मानते हैं उस चीज़ को, मगर इस सती सिस्टम एक्चुअली प्रिवेल कैसे करता था, इसको इन्होंने किस बेस पे, किस आइडियोलॉजी के बेस पे इसको फॉलो किया था। तो उनको लगता था कि अगर हस्बैंड जो है वो मर जाता है तो वाइफ का कोई रोल ही नहीं रहता है जिंदा रहने का। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वाइफ वॉज कंसिडर्ड एंड स्टिल शी इज़ कंसिडर्ड एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ हस्बैंड, कंसिडर्ड एज एन अर्धांगनी। अर्धांगनी मीन्स वो क्या है, एक हिस्सा है हस्बैंड का, और अगर हस्बैंड जो है ख़त्म होता है तो वाइफ का जो है जिंदा रहने का कोई राइट ही नहीं है। ठीक है, बट ये चीज़ तो गलत है। ठीक है, ये हम भी जानते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको भी जो है राइट है जिंदा रहने का, उसको भी राइट है आगे मैरिज करने का। तो बेशक ये थोड़ा सा मैंने डिफाइन किया यहाँ पे, बाकी आपने इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि देखिए ये चीज़ यहाँ पे आपने ध्यान में रखनी है, बस इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है आपने। ठीक है, मैंने आपको वही बताया है कि आप मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, टॉपिक्स को रूप मेमोराइज करते हैं, जिसको हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं रट्टा। ठीक है, उसके बाद जब उनके सामने क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि देखिए आज के टाइम में एग्जामिनर जो मोस्टली क्वेश्चंस आपको, चाहे वो कोई भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, वो क्वेश्चंस आपको देखता है कि बच्चे को कितना नॉलेज है इस टॉपिक का। ठीक है, आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि दे विल नेवर आस्क यू अबाउट द डेट्स, अबाउट द आर्टिकल्स, जो भी किसी भी टॉपिक में देखिए, मैक्सिमम वो भी आते हैं, पर मैक्सिमम वो पूछेगा आपकी जो है वो डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज को जो है वो चेक करता है। उसके लिए आपने क्या करना है, कोशिश करनी है टॉपिक जितना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आए तो, और हमेशा क्या होता है, कोई भी टॉपिक होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, उसको हम जितना लंबा है उसको लंबा कर सकते हैं, कितना फ्लेक्सिबल उसको हम कर सकते हैं, तो वो खुद पर डिपेंड करता है, मगर आपने मेन जो एसेंस
होता है किसी भी टॉपिक का, जो एसेंस होता है किसी टॉपिक का, उसको उसको एप्रीहेंड करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको उसको समझ नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं कर सकते। सो मैंने वही कहा कि यहाँ पे यही सारी कहानी यही है कि इन्होंने ये सब किया, ठीक है। कुछ लोग कंसिडर करते हैं कि ठीक है, ब्रिटिशर ने बहुत अच्छा किया, ये चीज़ें लाई, ये तो इससे तो बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, ये तो क्योंकि सोशल इविल्स थी। बट यहाँ पे ये चीज़ तो शो हो रही है ना कि देखिए, ये चीज़ें तो ग्रेजुअली होते होते जो है, अगर ब्रिटिशर्स नहीं होते या इंटरफेयर नहीं करते तो क्या आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती? जैसे आज ये चीज़ें नहीं है, ख़त्म हो चुकी है, मीन्स अब चाइल्ड मैरिज नहीं होती है, इलीगल हो गया है, फीमेल इन्फेंटिसाइड नहीं होता है, विडो रीमैरिज हो रहा है, अलाउ किया जा रहा है, उसको पूरा अधिकार दिया जा रहा है, सती सिस्टम तो खत्म हो गया पूरी तरह से। मगर यहाँ पे ये चीज़ है कि ग्रेजुअली क्या होता है कि सोसाइटी में जो चेंज आता ही आता है, और यहाँ पे ये होता अगर ब्रिटिशर्स ये इंटरफेयर नहीं भी करते, ये चीज़ें स्लोली खत्म हो जाती। हाँ, फिर भी हम ये एप्रिसिएशन जो है उनको करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के लिए कि उन्होंने ये अच्छा काम किया था। बट इसके पीछे कॉन्सपिरेसी कुछ और थी। कॉन्सपिरेसी क्या थी? कुछ समाज सेवा के लिए थोड़ी आए थे वो यहाँ पर। रिफॉर्म, मैंने कहा ना, यहाँ पे आपने इस चीज़ को ध्यान देखना है। लॉज whatever they legislated, whatever they enacted, in the name of रिफॉर्म्स, ठीक है, जो भी उन्होंने एनेक्ट की चीज़ें, लेजिस्लेट की चीज़ें, किसके किसके नाम पे? रिफॉर्म के नाम पे, समाज सेवा, चेंज लाया सोसाइटी में, ठीक है, कि वो उसके पीछे सारी कहानी क्या थी? ए, इंटरफेयर करना तो उससे वो उनको एब्सोल्यूट पावर जो है वो पोजेस हो जाती, और उससे ये वो दावा करते पूरा का पूरा कि भाई हमारे पास एब्सोल्यूट पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम तुम्हारे रिलीजन को भी जो है कन्वर्ट कर देंगे क्रिश्चियनिटी में, तुम्हारे कल्चर को चेंज कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ें जो हुई, इससे क्या हुआ कि जो रिलीजियस जो है लीडर्स थे और जो कॉमन पर्सन्स थे, वो क्या हो गए? वो उनसे डिससेटिस्फाई हो गए, ठीक है। सो आई होप कि यह टॉपिक आपको जो है अंडरस्टैंड हो गया, समझ आ गया। अब इसी के साथ हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे सोशल और रिलीजियस जो है कंक्लूड होता है, और अब हम जो है इसी में हम आगे जो है नेक्स्ट अपने कुछ एक मेरा टॉपिक है, थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक के ऊपर है, वो मैं इसी में थोड़ा बताऊंगा, डिस्कस करूंगा एक्चुअली, फिर इसको मैं कंक्लूड करूंगा। लास्ट टाइम मैंने एक कॉज बताया था उस पर, ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस इंसिडेंट के ऊपर, उसमें कुछ बच्चों को शायद वो चीज़ समझ नहीं आई है कि ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस जो इंसिडेंट था वो एक्चुअली वो उसका इस्तेमाल कैसे करते थे, जो कार्ट्रिज उस टाइम में था। बेशक बहरहाल वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट हाँ नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कुछ बच्चों को थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन हुई, तो मैं वो अभी एक्सप्लेन करूँगा, वो समझाऊँगा, फिर उसके बाद अपना टॉपिक को हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है मिलिट्री कॉज में, उसको लेकर थोड़ा सा मोस्टली मुझे लगा था कि शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। एक्चुअली ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है। मैंने वो टफ़ तरीके से वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि कार्ट्रिज जो था मिलिट्री कॉज में, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा, वो कार्ट्रिज जो था उसको वो इस्तेमाल कैसे करते थे राइफल में। तो एक्चुअली वो तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपके नॉलेज के लिए इसका जानना और क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि मैंने वहाँ पे ये चीज़ कही थी कि हम बाइट करते हैं इसको। बाइट का मतलब ये है कि मोस्टली वहाँ पे क्या होता था, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कीजिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन आ गया कार्ट्रिज का, और ये वाला जो पोर्शन है उसका है, ये होता था पेपर, ठीक है। बाइट एक्चुअली जो है वो इस वाले पोर्शन को किया जाता था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस वाले पोर्शन की वजह से ये वाला भी इफेक्ट होता था, ये जो ये वाला आ गया सारा, ठीक है। कैसे होता था कि वो क्या करते थे कि इसमें जो इसका जो ओपनिंग, जो इसको मज़ल कहते हैं, मज़ल में डालने से पहले वो क्या करते थे, वो जैसे इसको हटाया, रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद क्योंकि जो यहाँ पे पाउडर होता था, फिर उसको क्या करते थे, उसको फिर ऐसे करके उसमें इसमें जो है इस वाली ओपनिंग में क्या करते थे, डालते थे, ठीक है। और जब इसको डाल देते थे उसके बाद फिर इसको ऐसे सीधा कर लिया जाता था, और सीधा करने के बाद फिर जो इसका मज़ल होता था किसका, राइफल का ओपनिंग का, जैसे सपोज कीजिए ये ओपनिंग है राइफल का, ठीक है,
और मजल है इसमें क्या किया जाता था, फिर इसी तरीके से ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन डाला जाता था ऐसे, ठीक है, और उसको और कस के डाला जाता था, तो ये ग्रीस्ड होता था, मैंने आपको बताया था। बाइट का मतलब है कि ये तो सिंपल सी बात है, पेपर था तो पेपर को ही मोस्टली जो है वो बाइट करना है, उसको रिप्लेस करना है, हटाना है, ठीक है। तो देखिए इन शॉर्ट बात यहां पे ये है कि बेशक ये वाला पोर्शन ग्रीस्ड किया हो ब्रिटिशर्स ने किया था या ये वाला पोर्शन किया था, तो ये तो पूरा ही टोटली रिलीजियसली हिंदू के लिए और मुस्लिम के लिए टोटली रिलीजियसली प्रोहिबिटेड था इसको हाथ लगाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि इन्होंने काऊ का फैट और पिग का फैट का इस्तेमाल किया था, उससे ग्रीस्ड किया हुआ था, फिर ग्रीस्ड थोड़ा सा क्यों ना किया हो या ये वाला क्यों ना किया हो, तो टोटली प्रोहिबिटेड था फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू बोथ द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स के लिए। तो यहाँ पे जो है उस चीज़ पे नहीं जाना है कि ये वाला बाइट करना था या ये वाला बाइट नहीं करना था, वहाँ पे एक ही बात थी वो, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड हो जाता रिलीजियसली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब इसको रिप्लेस करते हैं, फिर पाउडर को डाला इसमें मजल में, उसके बाद यहाँ पे उस टाइम में आपने ध्यान में रखना है कि बुलेट उस टाइम में बॉल जैसा होता था, ठीक है, राउंड बॉल जैसा, ठीक है। उसके बाद क्या होता था कि वो ये वाला जो पोर्शन था बुलेट का वो काफ़ी सख्त होता था, टाइट होता था, क्योंकि ये वाला पोर्शन ग्रीस्ड होता था। उसके बाद क्या किया जाता था, ये जो है ये जब इसको पेपर को रिमूव किया, उसके बाद ये जो है इसमें जो है पाउडर जो है मजल में डाला, उसके बाद फिर इसको सीधा किया, और सीधा करने के बाद फिर क्या किया, ये जो बुलेट वाला पोर्शन है दिस वन, ठीक है, इसको मजल में ऐसे फिक्स जैसे करने की कोशिश की जाती थी और फिक्स करने की कोशिश की जाती थी, फिर क्या होता था जो आउटर वाला पोर्शन है उसका बाहर निकल आता था, ठीक है, किसका, ये वाला जो पोर्शन जो मैंने आपको कहा था रिप्लेस करना वहां पे, ठीक है, जो मैंने बाइट बोला था आपको, आप लोगों को साइड समझ नहीं आया, क्योंकि ध्यान में रखना है कि पेपर को ही हटाना है, इसको थोड़ी हटाना है, इसको अगर हटाते तो डायरेक्टली कहां से ये हटता, क्योंकि ग्रीस्ड वाला था, ये वाला ग्रीस्ड था मोस्टली। तो उसके बाद जो आउटर वाला इसका होता था, ठीक है, ये क्या हो जाता था, ये बाहर निकल आता था, और उसके बाद जो है बुलेट जो छोटी सी थी वो क्या है, वो उसके अंदर जाती थी, और उसके बाद जो है रैम रॉड के थ्रू क्या किया जाता था, फिर उसको पूरी तरह से फिक्स किया जाता था, अंदर सेट किया जाता था, ठीक है, रैम रॉड के थ्रू, ठीक है। आई होप कि ये आपको यहां पे अंडरस्टैंड हो गया। तो उस टॉपिक में थोड़ा सा आप लोगों को जो है मैंने टफ तरीके से समझाया था, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो गई थी कि वेदर इसको बाइट करना है कि इसको बाइट करना है, तो सिंपल सी बात है कि यहां से तो बाइट नहीं होगा। मैंने बताया था आउटर की मैंने बात की थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम इसको पेपर को हटाएंगे, पाउडर को इसमें डालेंगे, और उसके बाद इसको ऐसा सीधा करेंगे, उसके बाद इसको बुलेट को फिक्स करने की कोशिश करेंगे मजल में, ठीक है, और उसके बाद ये वाला आउटर पोर्शन खुद ही बाहर निकल आता था, और उसके बाद फिर मजल जो सॉरी रैम रॉड के थ्रू फिर बुलेट को अंदर धकेला जाता था पाउडर के साथ में, ठीक है, आया समझ। तो उस टाइम में थोड़ा सा टफ बताया था, क्योंकि मैं थोड़ा उसको ज़्यादा फोकस नहीं किया कि यूज़ कैसे करना है, ठीक है, उसको ज़्यादा मैंने कहा एग्ज़ाम के लिए नहीं, हाँ नॉलेज के लिए बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि वरना अगर हम देखें कि उतना ज़्यादा ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि कैसे यूज़ करते थे, कैसे चलाते थे, उसका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, ठीक है। सो आई होप कि ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है, ठीक है। सो इसी के साथ जो टॉपिक हमारा है, जो एक्चुअली जो मेन टॉपिक था, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको आपका जो कंफ्यूजन था उसको क्लियर किया। और एक और बात यहाँ पे, एक कुछ स्टूडेंट्स ने जो है इसके ऊपर बात की थी कि जैसे अवध की अगर बात करें, उन्होंने कहा था कि अवध जो है अवध को ना सब्सिडरी लाइंस के थ्रू और ना डॉक्टर ने फ्लैप्स के थ्रू एनेक्स किया था। तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ बेटा, मोस्टली आप अगर अच्छी तरह देखेंगे वहाँ पे मेरे टॉपिक को जो भी मैंने समझाया था उसको थोड़ा डेप्थ में आप समझेंगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। वहाँ मोस्टली क्या था कि सब्सिडरी अलायंस जो था मोस्टली वहाँ पे जो है वो सब्सिडरी अलायंस जो है अप्लाई किया था 1801 में जो है, ये आपने याद रखना है 1801 में अवध के ऊपर, और जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से हुआ क्या हुआ था, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था उनका मकसद उस ब्रिटिशर के करने का क्या था, उनको इंप्लीमेंट करने का, उन मैकेनिज्म्स को प्ले करने का, डिवाइस करने का क्या पर्पज था कि जितने भी रूलर्स थे अपनी पावर को वो खो देते, और जब उनकी पावर खो गई, जब वो कुछ नहीं कर पाए, तो जब पावर खो गई अब ब्रिटिशर इंटरफेयर कर रहे तो वो तो एनेक्स ही हुआ ना। एनेक्स डजंट मीन कि आप वहाँ पे बाय फोर्स जो है किसी को वॉर कर रहे हैं और वॉर के बाद आप उस एरिया को कैप्चर करते हैं, नहीं, ठीक है। एनेक्स में जरूरी नहीं है डायरेक्ट वॉर आता है, एनेक्स में कभी कभी जो आपका एनेक्सेशन है वो इनडायरेक्टली भी होता है। तो ब्रिटिशर ने ऐसा ही किया था कि जब पावर ही नहीं रही रूलर्स के पास, इंडियन रूलर्स के पास, ठीक है, तो जब पावर उनके पास थी ही नहीं, तो इसका मतलब यह है कि वहां पे तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल किसका है, वो ब्रिटिशर का है, और वो अपनी पावर को
कम, उनकी पावर बहुत कम हो चुकी थी, बहुत कम, तो इसका मतलब है वो एरिया है तो इनडायरेक्टली एनेक्स हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने इस चीज़ को जो है वो ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा था, मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, वरना मैंने अवध के ऊपर अभी एरियाज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, किसी और अगर टाइम मिलेगा किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हर एक एरिया का, पहले कैसे सिचुएशन था, क्या हुआ उनके ऊपर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कैसे इंप्लीमेंट हुई, उनको क्या प्रॉब्लम्स आई, तो दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक था आज का हमारा, सोशल रिलीजियस कॉज कंक्लूड होता है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर्स और मेरी वीडियोस ठीक लग रही होंगी। कोशिश कीजिए अपने जो जो आपका आपका जो है उसको हम कहते हैं आपका जो विस्टा है उसको थोड़ा ब्रॉड करने की कोशिश कीजिए, किसी टॉपिक को डीप में जाने की कोशिश कीजिए, फिर ही आपके डाउट्स जो है, फिर डाउट्स नहीं आएंगे कभी, क्लियर होंगे। सो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो चुका है। सो सी यू सून एंड ब्लेस यू ऑल।